आज हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना निट निट कर लिया है घटाते हुए। मेरे पास अब मैंने दोनों साइड से घटाती गई हूँ अंदर की तरफ से। ये ध्यान रखिएगा कि अंदर की तरफ से ही घटाना है, पैनल के अंदर की तरफ केबल से इस तरह, और इधर वाले आर्म होल के उल्टे फंदे से इस तरफ। तो घटाते हुए मेरे पास टोटल फंदे बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 लूप्स बचे हैं। अब मैं और नहीं घटाऊंगी, डिक्रीज नहीं करना है। अब हम नॉर्मल नीटिंग करेंगे अपनी। केबल के साइड वाला फंदा आ गया है जो कि उल्टा बुनाई करते हैं हम। 1, 2, 3, सीधे वाले फंदे को हमें ऊपर से ना करके नीचे से, यहाँ से इधर इस नीचे वाले लूप में से करना है। हमेशा जब भी हम रॉन्ग साइड निट करेंगे, इस फंदे को हम हमेशा ऐसे ही निट करेंगे। जो आर्म होल के साइड है सीधा फंदा दिख रहा है वो रॉन्ग साइड से, ये वाला, इसको हमेशा ऐसे ही निट करेंगे। बाकियों को तो नॉर्मल निट करना है। ऐसे ही राइट साइड और रॉन्ग साइड बनाते हुए हम अपनी शोल्डर लेंथ को कंप्लीट करेंगे। यही प्रोसेस जब चलता रहेगा आप, नो डिक्रीजिंग नो इंक्रीजिंग। अब मुझे केबल बनानी है 1। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है, तो इसके बाद वाली लाइन से काउंट करूँगी 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि केबल ट्विस्ट करने का टाइम आ गया है। इस तरीके से केबल बना लूंगी मैं अपने। जब केबल का पोर्शन आएगा तो केबल को क्रॉस करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से बनाते हुए शोल्डर लेंथ को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मैंने इस राइट साइड पैनल में ये शोल्डर लेंथ बनाई है। शोल्डर पार्ट भी निट कर लिया है मैंने। मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ कि केबल कितनी आ रही हैं, ताकि आपको साइज़ का अंदाज़ा लगे। अगर हम यहाँ से नेक के यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के इसको अगर काउंट करें तो कितनी केबल हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं ये। और यहाँ पे 16 लूप्स हमने शोल्डर पे रखे हैं। टोटल लेंथ भी बता देती हूँ मैं कितनी हुई है इसकी। इसकी टोटल लेंथ 11.5 इंच है, 11.5 इंच। अब हमारे दोनों पैनल ये रेडी हैं, दोनों फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के बाद अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने ये
आधा पैनल रेडी कर लिया है। इसमें मैंने स्टार्टिंग में 76 लूप्स लिए हैं, 76 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं, और उसके बाद ये मैंने 40 पर्ल निटिंग लाइन बनाई है। ये जो पर्ल शोइंग लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको ऐसे काउंट करेंगे तो ये टोटल 40 लाइंस हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें फ्रंट पार्ट में भी आपको काउंट करके बताया था कि कब घटाना है, 40 पर्ल लाइंस बनाई थी, उसके बाद हमने घटाना शुरू किया था यहाँ पे। सेम उसी प्रोसेस से हम इसमें बैक पैनल में भी घटाना शुरू करेंगे, दोनों साइड, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी घटाएंगे, दोनों साइड सेम प्रोसेस रहेगा, घटाने का तरीका वही रहेगा। स्टार्टिंग के पहले लूप को तो हम स्किप करेंगे बिना निट किए। तीन लूप्स को निट करने के बाद फोर्थ को हम उल्टा बुनाई करेंगे, जैसे हम फ्रंट पैनल में आर्म के साइड करते आए थे, और उल्टा बुनाई करने के बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से पीछे से लेते हुए दो फंदों को एक साथ निट कर देंगे। यहाँ पे घट गया एक फंदा, बाकी लूप्स को तो हमें सीधा ही बुनाई करना है। ये हमारी फर्स्ट डिक्रीजिंग रो है इस पैनल की। एंडिंग पे पहुंचने पे 1, 2, 3, 4 इन दो लूप्स को एक साथ निट करेंगे, लेकिन आगे की तरफ से। अब एक फंदा उल्टा और बाकी के सीधे। तो हमने इस फर्स्ट डिक्रीजिंग रो में क्या किया है, यहाँ पे तीन फंदों को सीधा बुना, फिर उसके बाद एक पर्ल निट किया उल्टा, और फिर दो फंदों को एक कर दिया। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे भी किया है। स्टार्टिंग के तीन लूप्स को निटिंग किया है सीधा, उसके बाद एक उल्टा है, और फिर दो फंदों को यहाँ पे एक कर दिया, यानी कि एक फंदा हमारा यहाँ डिक्रीज़ हो गया, एक फंदा हमारा यहाँ डिक्रीज़ हो गया, एक पर्ल निट यहाँ पर है, एक पर्ल निट यहाँ पर है, और बाकी सब सीधे फंदे हैं। राइट साइड रो हमेशा ऐसे ही बनाई जाएगी। रॉन्ग साइड से कैसे बनाना है उसका भी आपको आइडिया होगा, क्योंकि आप फ्रंट पैनल बना चुके हैं। तीन फंदों को इस तरीके से निट करने के बाद अब इस फोर्थ फंदे को, फोर्थ लूप को ऊपर से निट ना करके नीचे से, यहाँ जो नीचे वाला लूप है इसमें से सिलाई को डालते हुए हमें निट करना है, और फिर बाकी सब फंदों को सीधा। रॉन्ग साइड रो में कोई भी लूप डिक्रीज़ नहीं करना है, राइट साइड रो में ही डिक्रीज़ करना है हमेशा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे निट किया इस डेप्थ लूप को, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे एंडिंग में भी, जो फोर्थ लूप है ये फोर्थ लूप, इसको भी निट करेंगे। अब रॉन्ग साइड रो के एंडिंग पे, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस लूप को, फोर्थ लूप को ऊपर से निट ना करके नीचे वाले लूप में निडल को डालते हुए यार्न पुल करेंगे, और इस तरीके से डेप्थ लूप को बनाएंगे, जैसा कि हम फ्रंट पैनल में बनाते आए थे। और अब राइट साइड रो में फिर से हम डिक्रीज करेंगे, फोर्थ लूप को उल्टा नेट करेंगे, और यहाँ पे दो फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से ऐसे लेते हुए एक साथ घटा देंगे, इस तरीके से बन जाएगा।
एक लूप हमने यहाँ डिक्रीज किया, एक लूप यहाँ डिक्रीज करेंगे और इस तरीके से राइट और रॉन्ग साइड को बनाते हुए हम अपने फ्रंट पैनल के बराबर डिक्रीजिंग पार्ट को बना लेंगे। इतना बुनाई करने के बाद और ये इतना पोर्शन डिक्रीज़ करने के बाद ये लगभग मैंने कितना घटाया है बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूप्स मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ किए हैं। आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं या फिर अपने फ्रंट पैनल से ऐसे रख के मेजर कर लें। ये देखिए हमारा डिक्रीजिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है, दोनों बराबर हो गए हैं, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हमें प्लेन पार्ट इस तरीके से इतना हाइट का और बनाना है। तो अब हम डिक्रीज नहीं करेंगे, सिंपल निटिंग करेंगे, नो डिक्रीजिंग पोर्शन। राइट साइड रो है ये, नो डिक्रीजिंग। एंडिंग पे भी नो डिक्रीजिंग। रॉन्ग साइड रो। चेन तो बनती रहेगी यहाँ पे, जो आर्म होल के साइड ये जो चेन है ये चेन तो बनाती ही जाना है हमें, डेप्थ मतलब देते ही जाना है रॉन्ग साइड से डेप्थ चेन। दोनों साइड हम बनाते हुए इस पोर्शन को रॉन्ग साइड से चेन बनती जाएगी ऐसे, और फ्रंट साइड से हम इस लूप को उल्टा बुनते जाएंगे और इस तरीके से हम फ्रंट के बराबर इसको लगभग बना लेंगे। इतना निट करने के बाद प्लेन एरिया डिक्रीजिंग पार्ट के बाद ये लगभग 11 से ज़्यादा है, 11 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। पैनल से भी मेजर कर लेते हैं, फ्रंट पैनल से। ये हमारा फ्रंट पैनल है, ये देखिए ये इतना बन गया है। टू मोर लाइन लेफ्ट टू निट हियर, तो दो लाइन अभी और बनानी है। उससे पहले हम यहाँ पे गले के लिए, नेक के लिए कुछ फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। 16 लूप्स यहाँ छोड़ेंगे, 16 लूप्स यहाँ छोड़ेंगे और बीच में फंदों को घटा देंगे। कैसे करना है उसके लिए देखिए, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 लूप्स को निट करने के बाद अब हम यहाँ पे
पंदों को डिक्रीज करेंगे। ये देखिए दो फंदों को लेंगे ऐसे और पीछे से डिक्रीज करते जाएंगे। पहले फंदे को इस तरह से डिक्रीज किया, उसके बाद निट किया, फिर इसको इस पे से उतार देंगे। चेन वाला डिक्रीजिंग मेथड कर रही हूँ मैं, उतारने वाला एक पीछे से आगे वाले को इस तरीके से उतारते जाएंगे। ओ क्या हो रहा है ये, इस तरीके से देखिए ये घट रहा है। ये 16 लूप्स हैं, उसके बाद हमने घटाना शुरू किया है। इस तरीके से हम घटाते जाएंगे। इतना डिक्रीज हो गया, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं लूप्स को कितने बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। अब इन लूप्स को हम निट कर लेंगे। ये हमने बैक नेक शेप दी है, फोर्थ लूप उल्टा जो कि निट करते हैं हम। रॉन्ग साइड रो, एक साइड का शोल्डर पूरा हो गया। अब हमें इस साइड के लिए धागा तो है नहीं, धागा तो उधर चला गया, इधर आ गया, तो इसके लिए धागा जोड़ेंगे। अब हम इस तरीके से नया धागा जोड़ लेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड रो भी अब कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड धागा लगा हुआ है हमारे, ये दोनों। अब हम एक एक पैनल को लेंगे और जॉइंट करेंगे। पहले हम दोबारा से इसको निट कर लेते हैं। हमें जॉइंट जो है रॉन्ग साइड से करना है, ये हमारी राइट साइड है, रॉन्ग साइड से हम दोनों पैनल्स को जॉइंट करेंगे। पहले मैं राइट साइड रो को कंप्लीट कर लेती हूँ।
इसको यहाँ पे बांध भी लेते हैं इस लूज यान को। बाद में इनको हाइड कर लेंगे क्रोशिए की हेल्प से या निडल की हेल्प से, आप जिसे भी करना चाहें। ये इसका हो गया धागा। अब इस धागे से इसको निट कर लूँगी। धागा पीछे कर लेते हैं। सेम तरीके से इसको भी इस राइट साइड शोल्डर पे, जो शोल्डर है राइट साइड रो पे, जो ये सेकंड शोल्डर है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी लास्ट रो कंप्लीट। अब हम ये हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, रॉन्ग साइड एरिया। पैनल्स को इस तरीके से रख लेंगे, दोनों पैनल्स को। इस तरीके से रखने के बाद इस पर ये इसका फ्रंट, ये इसका फ्रंट, दोनों एक साथ ऐसे हो गए। इस तरीके से इन दोनों को ऐसे एक साथ शोल्डर को हम जोड़ेंगे। पहले इसके लूज थ्रेड को मैं इससे बांध देती हूँ। इस तरीके से दोनों पकड़ेंगे। ये इसका रॉन्ग साइड है, ये इसका रॉन्ग साइड है फ्रंट का। दोनों को ऐसे पकड़ के हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। पहले आगे वाले फंदे को लेंगे, फिर पीछे वाले को लेंगे। इस तरीके से और एक साथ निट करेंगे। दोनों लूप में से निकालेंगे और दोनों लूप को उतार देंगे दोनों सिलाइयों पे से, ऐसे। ये एक लूप इस पे आ गया। फिर से हम आगे वाले से और पीछे वाले को दोनों को एक साथ लेंगे और नेट करेंगे, उतारेंगे। ये दो फंदे हो गए हैं। अब क्या करेंगे, पीछे वाले से आगे वाले को उतार देंगे तो ये एक चेन सा बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं कैसे शोल्डर को घटा रही हूँ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ये प्रोसेस शोल्डर डिक्रीजिंग का आसानी से कर पाएंगे। और हमेशा शोल्डर को जब भी स्वेटर बनाएं तो ऐसे ही जोड़ना पसंद करेंगे आप। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, नीट एंड क्लीन शोल्डर जॉइंट होता है। ऐसे देखिए चेन बनता जाएगा यहाँ पे और ये हमारा शोल्डर जॉइंट होता जाएगा। इसी तरीके से इस शोल्डर को और इस शोल्डर को हम दोनों को जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जॉइंट होने के बाद बॉडी तो रेडी है। अब हम इसके लिए
स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।